नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीईआरटी के खास लाइव फोन इन कार्यक्रम में, वेबिनार ऑन आईसीटी टूल। मेरा नाम है तन्वी खुराना और आज हम बातचीत करेंगे एक नेशनल आईसीटी अवार्डी के सफर पर। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट जो जिन्हें नेशनल आईसीटी अवार्ड मिला था 2014 में, और वो हैं मिस्टर प्रदीप नेगी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सभी को, सभी साथी और जितने भी व्यूअर्स हैं जी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आज का जो वेबिनार है वो जर्नी ऑफ नेशनल आईसीटी अवार्डीज के ऊपर है। जी सर, तो हम शुरुआत करने से पहले आपका परिचय, छोटा सा परिचय एक बार मैं अपने दर्शकों को दे देती हूँ और फिर हम ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर हैं लेक्चरर इकोनॉमिक्स में मॉडल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज BHEL हरिद्वार से। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है सर से पूछने के लिए तो आप हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आप हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं PME विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर भी NCERT ऑफिशियल, उसके लाइव चैट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए और हम तक ज़रूर पहुँचाइए। अगर आप फ़ोन करना चाहें तो नंबर है 8800440559। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है training@ciet.nic.in, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है। तो आइए अब ये चर्चा हम शुरू करते हैं और सर से पूछते हैं कि सर आपका ये जो सफ़र है जिस पर हम आज बातचीत करने वाले हैं उसके बारे में आज आप हमें क्या क्या बताने वाले हैं। तो जैसा मैम आपने आज देखा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वेबिनार का, जर्नी ऑफ नेशनल आईसीटी अवार्डी, जो आईसीटी अवार्डी जिन्हें नेशनल अवार्ड मिला है उनके बारे में थोड़ा लोगों को जानना है कि उनका सफर कैसा रहा, आप उन्होंने आईसीटी को लेकर जो कार्य किए हैं उनमें उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा और अभी वो क्या कर रहे हैं आगे, पूरा उसकी एक जर्नी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने लाइफ शुरुआत करी और अब हम क्या कर रहे हैं और कहाँ तक हमने अचीवमेंट्स प्राप्त करे और आगे भविष्य में हम क्या करेंगे। तो ये सब मेल जोल जो हमारा है आज हम उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, तो ये जो इंटायर लाइफ है मेरी जो अधिकतर रही है, जैसे 1996 में मैंने कंप्यूटर थोड़ा सीखना शुरू किया था, तो कंप्यूटर होता क्या है इसमें थोड़ी सी जिज्ञासा थी मेरी, तो यहाँ से मैंने शुरुआत करी। उसके बाद 2002 में आईसीटी ट्रेनिंग सबसे पहले प्राप्त करी माइक्रोसॉफ्ट से और इंटेल से, और उसके बाद हमने जाना कि आईसीटी होती क्या है और आईसीटी का प्रयोग हम शिक्षण कार्यों में कैसे कर सकते हैं, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हम उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो 2002 से लेकर 2006 तक हमने आईसीटी से संबंधित बहुत सारे कार्य किए, ट्रेनिंग ली। तो उस संबंध में हमें फिर माइक्रोसॉफ्ट टीचर अवार्ड मिला था 2006 में, जिसमें हम बाहर देश भी गए, कंबोडिया गए, वहाँ पे भी हमने सीखा कि आईसीटी के लिए मतलब आईसीटी से संबंधित विश्व में क्या क्या कार्य हो रहे थे। 2014 में नेशनल आईसीटी अवार्ड मिला, 2013 का अवार्ड 2014 में मिला था, तो ये मैं CIT और NCERT को इसका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और हमारे कार्य को रिकॉग्निशन किया। और उसके बाद 2018 में टॉप 50 फाइनलिस्ट जो ग्लोबल टीचर प्राइज था उसके लिए मेरा चयन हुआ था। इंडिया से मैं उस वर्ड्स अकेला था और पूरे वर्ल्ड से 30,000 टीचर्स में से 50 टीचर्स के अंतर्गत मेरा चयन हुआ था। वर्तमान समय में मैं एज ए रिसोर्स पर्सन के रूप में निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग टीचर्स को दे रहा हूँ, और किसी प्रकार की अगर समस्या आती तो टीचर्स मुझे कभी भी कांटेक्ट कर लेते हैं, और निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग में जो भी टीचर्स को टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उससे संबंधित कई सारे वीडियोस मैंने बनाकर टीचर्स को प्रेषित किए ताकि वो आसानी से ट्रेनिंग पूरी कर सके। तो ये था इंटायर लाइफ जो 1996 से आरंभ हुई आईसीटी को लेकर, और कम से कम 20 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं आईसीटी का प्रयोग अभी हम कर रहे हैं, और अभी सीखने की प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है तो हम आगे भी सीखते जा रहे हैं, क्योंकि पहले और अब में बहुत अंतर आ गया है।
टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, तो हमें उसको अपने अनुसार उसके अनुसार अपने को अपडेट करते रहना चाहिए, और अपडेट हम उसको कर रहे हैं। तो जो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था टेक्नोलॉजी के साथ, जब मैं सबसे पहले GIC रुड़की में आया, तो वहाँ पे हमारे पास पुराने 4-5 कंप्यूटर थे, हमें ट्रांसफ़र होके आया था, और उसी वर्ड से सबसे पहले उत्तराखंड जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इंटेल प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसके माध्यम से 2 MT बनाने थे, और वो MT फिर पूरे अपनी अपने स्कूल को ट्रेन करेंगे सारे टीचर्स को। तो मेरा MT के लिए चयन हुआ था, और मैंने 15 दिन की ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद अपने स्कूल में टीचर्स को ट्रेन किया, स्टाफ को ट्रेन किया, और ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि मुझे 15 दिन की जो ट्रेनिंग मैंने सीखी थी उसे मैंने को ट्रेन करने में पूरे 3 महीने लग गए अपने टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स ने पहली बार माउस देखा था, कंप्यूटर देखा था, कीबोर्ड देखा था, तो उन्हें उसे चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था उस जमाने में, जब टीचर्स ने सबसे पहले कंप्यूटर को देखा था या हाथ लगाया था। उसी वर्ष हम अपने जो हमें कार्य दिया था हमारी गवर्नमेंट ने, उसे हमने पूरा किया, और टीचर्स ट्रेनिंग के बाद बच्चों को हमने ट्रेन किया, और स्टेट द्वारा जो अवार्ड घोषित किए गए थे 3 वर्ष लगातार 2003 2004 2005 6 के लिए, जो इंटेल द्वारा कि कौन से स्कूल टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें हमारा स्कूल 3 वर्ष हमारे स्कूल को पुरस्कृत किया गया था, और स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और रीजनल लेवल पर चुना गया था, और साथ में हमारे स्कूल के बच्चे जो ICT का प्रयोग कर रहे थे, जिन्होंने ICT का प्रयोग करके कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, उनका चयन हुआ था। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी उस जमाने में, जब और विद्यालयों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 2004 में हमारे यहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, BSNL का ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमें दिया था। तो उस जमाने में हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन हमारे विद्यालय को प्राप्त हो गया था, और उसी को देखते हुए फिर आगे हमें कंप्यूटर लैब निर्माण की अनुमति मिली, और हमें कुछ कंप्यूटर शासन की तरफ से प्राप्त हुए। उसके बाद हमें एक प्रोजेक्टर प्राप्त हुआ था, जिस प्रोजेक्टर का यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे इस्तेमाल कर रहे कक्षा कक्ष में, क्लासों में हमने उस प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया, जिसमें टीचर्स लोग अपने जो ई कंटेंट थे उसको यहाँ पे दिखाते थे क्लास में ले जाकर, क्योंकि उस समय हमारे पास लैब नहीं थी, तो हम इस प्रोजेक्टर का इस्तेमाल क्लास में करते थे। उसके बाद लैब आने के बाद 2011-12 में हमारे पास ICT के तहत लैब प्राप्त हुई, और इस लैब का प्रयोग बच्चों ने बेहतर ढंग से किया, और इसमें बच्चों को सिखाया गया कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती, कौन से सॉफ्टवेयर होते, कैसे उसका प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर में बच्चे सेल्फ लर्निंग सीख रहे हैं। इंटरनेट हमारे स्कूल को प्राप्त हुआ था 2012 में, ये मैं दूसरे स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं GIC रुड़की से गवर्नमेंट इंटर कॉलेज BHL आया था भेल, तो वहाँ पे 2012 में हमें 2011 में हमें कंप्यूटर प्राप्त हुए, और 2012 में हमें इंटरनेट कनेक्शन हमारे स्कूल में लगा, तो वहाँ पे बच्चों ने इंटरनेट सीखा कि कैसे इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी जानकारी को एक्सेस कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से हम किस प्रकार इंटरनेट के खतरों से बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को वहाँ पे सिखाई गई हमारे स्कूल में, और बाकायदा आज भी हमारे कंप्यूटर लैब में का बच्चे बेहतर ढंग से इस्तेमाल करते हैं, और खासकर प्रोजेक्ट कार्य, साइंस के प्रोजेक्ट कार्य बनाने होते हैं या किसी प्रकार की उनको जानकारी लेनी होती है, तो वो सीधा कंप्यूटर ICT लैब में आते हैं, और अपने पाठ से संबंधित, अपने विषय से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त करते रहते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक्स में आज से 2012-13 में क्या होता था कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में ई कंटेंट उपलब्ध नहीं होते थे। आप चाहे यूट्यूब में देख लीजिए या इंटरनेट पर सर्च करें, तो साइंस से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल होते थे, लेकिन इकोनॉमिक्स में नहीं होते थे, और जो होते थे वो इंग्लिश में होते थे। तो इसमें मैंने सबसे पहले प्रयास करा कि हिंदी मीडियम में ई कंटेंट डेवलप किया जाए, और जिसका लाभ हमारे 11th और 12th क्लास के बच्चों को होगा। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे ई कंटेंट डेवलप किए, और उसका आज भी
ना केवल मेरे विद्यालय के बच्चे बल्कि प्रदेश के सारे बच्चे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने आगे प्रोजेक्टर स्क्रीन लिया विद्यालय के लिए। इसका ये फायदा होता था कि हम इस स्क्रीन को क्लास में या किसी हॉल में एक्टिविटी के लिए भी हम इस्तेमाल करते थे, और प्रोजेक्टर माध्यम से हम इसका प्रयोग आज भी हम इसका करते हैं। कैसे पढ़ना है, ठीक है? इसके साथ हमें तो स्मार्ट लैब, आप इसको स्मार्ट लैब देख रहे हैं, क्या तो हमें जो दो स्मार्ट क्लास प्राप्त हुई हंस फाउंडेशन की मदद से, तो आज हम बकायदा इसका प्रयोग कर रहे हैं, और सारे टीचर्स आके इसमें अपना जो ई कंटेंट होता है या इंटरनेट के माध्यम से जो भी उनको यूट्यूब के माध्यम से या कोई वीडियो प्ले करना होता है बच्चों को सिखाने के लिए, वो इसका प्रयोग करते हैं। तो इससे हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत अधिक इसका लाभ मिल रहा है। इसके साथ साथ आईसीटी का प्रयोग ना केवल हम अपनी स्टडी के लिए कर सकते हैं बल्कि कल्चर एक्टिविटी, और आपने देखा हो यहाँ पे साइंस मूवी पिक्चर्स हम बच्चों को दिखा रहे हैं, और कभी कभी हम साइंस प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हमारे पास कई सीडी भी हमने अवेलेबल रखी है, और ई लाइब्रेरी भी हमने विद्यालय में बना रखी है जिसमें कई प्रकार के सॉफ्टवेयर हमने रखे हुए हैं जो बच्चे जिनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे साइंस प्रोजेक्ट हो गए, और आईसीटी से जो मुझे 10 सीडियां प्राप्त हुई थी साइंस से रिलेटेड वो भी सब हमने ई लाइब्रेरी में रखी हुई है जिसका बच्चे इस्तेमाल करते हैं। और कल्चर एक्टिविटी में ऑडोसिटी सॉफ्टवेयर की मदद से हमने मिक्स कई सारे गानों को जोड़कर सॉन्ग बनाया बच्चों के लिए। हमें बाजार जाने की आवश्यकता नहीं होती है, हमारे स्कूल के बच्चे खुद ही हमारे पास आते हैं तो हम उनकी मदद करते हैं। और प्रोजेक्टर में बच्चे कैमरे की मदद से वीडियो बना के अपने जो एरर होते हैं डांस के या नाटक के उनको उसको करेक्शन कर सकते हैं बार बार। तो आईसीटी का प्रयोग ना केवल एजुकेशन में बल्कि कल्चर एक्टिविटी और अदर चीजों में भी हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों को सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर आखिर होता क्या है, प्रिंटर क्या होता है, तो उन्हें खोल के भी हम उसको बताते हैं कि भाई कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें होती है, मदरबोर्ड होती है, हार्ड ड्राइव होती है, रैम होती है, किस प्रकार की होती है। तो सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों का बच्चों को नॉलेज होनी बहुत जरूरी है ताकि उनका जो नॉलेज स्किल है वो डेवलप हो सके। जी, तो सर जब आप, यहाँ पे एक छोटा सा करेंगे वीडियो है इसको हम जो क्लिक बच्चे करेंगे, क्यू आर कोड के इसमें माध्यम से करा सीख हमने रहे फोटो हैं। देखो, 3D इमेज को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं बच्चों को कि बच्चों ने ड्राइंग वो बनाई, नहीं का हमने प्रिंट निकाल के बच्चे को दिए और उसका क्यू आर कोड को स्कैन कर रहे हैं जिससे 3D उनको वीडियो उनको मोबाइल पे दिख रहा है। सर क्या आप वीडियो की वॉल्यूम लो कर सकते हैं ताकि हम आपकी बात सुन सके? जी सर, हाँ, तो जो मैंने यहाँ पे बताया कि जो हमारा क्यूआर कोड होता है उसको मोबाइल के द्वारा भी स्कैन किया जा सकता है। बच्चों को हम बताते हैं कि आप मोबाइल से क्या क्या चीजें कर सकते हो। मोबाइल के माध्यम से जैसे आज एनसीईआरटी की किताबों में क्यूआर कोड आ रहा है, तो उसको स्कैन करने से 3D इमेज के साथ साथ मल्टीमीडिया जो भी उसके अंदर इनपुट होगा वो हमें दिखाई देता है। तो बच्चों को इससे बहुत मजा आता है सीखने में, ये लर्निंग प्रोसेस इससे इंटरेस्टिंग बनता है। जी इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें भविष्य में जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आने वाले समय पे हमारा कोर्स का हिस्सा होगा। तो हमें एक टैब प्राप्त हुआ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसा काम करता है, तो इसमें बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं और वो उनका जवाब देता है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो इससे बच्चों को एक ज्ञान प्राप्त होता है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है क्या और भविष्य में हम इससे क्या क्या कर और सकते हैं। कितना इसके साथ साथ कोडिंग भी आने स्टेप वाले समय पे बच्चों के लिए शुरू हो जाएगी, तो स्क्रैच के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा रहा है कि गेम आप कैसे डेवलप कर सकते हो, उसमें कैसी छोटी मोटी आप कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्रोग्रामिंग देखो ना से, ये रन हुआ पहले स्टेप, इसका 5 टाइम्स बाउंस हुआ, और उसके बाद क्या बोला ऊपर से देखो लिखा हुआ हेलो दादी आ रहा बोला ना। ठीक है, अब हमने दादी को भी बोला जा रहे हैं कि पहले बच्चा आए आगे उछले फिर दादी आए। इसके साथ साथ विद्यालय में और जो गतिविधि बढ़ाने के लिए
हमने प्रयास किए वो था, मैं माइक्रोसॉफ्ट एजुकेटर कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो हमने अपने विद्यालय के कुछ बच्चों को स्काइपी सेशन में शामिल किया कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, जिसमें 4-5 सालों में हमने 25 देशों से 500 स्काइपी सेशन किए। और इस स्काइपी सेशन का लाभ ये हुआ कि बच्चों को दूसरे देशों के साथ बातचीत करने में जो हेजिटेशन होती थी वो दूर हुई, और इसके साथ साथ बच्चों को दूसरे कल्चर के बारे में पता चला, टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम क्या क्या कर सकते हैं, बियॉन्ड द क्लासरूम हम जाके अध्ययन कर सकते हैं, लोगों से जानकारी ले सकते हैं। इसी प्रकार इसका लाभ ये हुआ कि हमारे जो विद्यालय के बच्चे थे उनको, जो हमारे CM थे, चीफ मिनिस्टर, उनके साथ भी बातचीत करने का मौका मिला। तो ये तभी संभव हुआ जब उन्होंने पहले इसका प्रयोग कर लिया था। इसके साथ साथ हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो आज इनोवेशन प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं, तो इसमें कई प्रकार के प्रोजेक्ट थे जो इंटरनेशनली थे, बेस्ड ऑन SDG जो कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट थे, जिसमें काम करना होता था अन्य देश के छात्रों के साथ, तो इसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, अपने व्यू शेयर किए, अपने वीडियो शेयर किए, अपने वर्क शेयर किया। इस प्रकार द काइंडनेस प्रोजेक्ट्स में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, नो मोर प्लास्टिक्स में प्रोजेक्ट किया, जिसमें कम से कम 400 स्कूलों ने 70 कंट्रीज के साथ पार्टिसिपेट किया। इसके साथ साथ मेरे को जो शासन, जो हमारे शिक्षा विभाग द्वारा जो कार्य दिए जाते हैं कि मुझे ऐसे रिसोर्स पर्सन के रूप में ट्रेनिंग, ICT ट्रेनिंग के लिए चुना गया, तो मैंने 2012 में लगभग 400-500 टीचर्स को अपने जिले के उनको ट्रेन करा ICT प्रोग्राम के तहत। यहाँ पे जितने टीचर्स हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, 2013 में ट्रेन किया था DIIT की तरफ से। इसके बाद जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसमें को हम कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ICT टूल्स के तहत, तो ये DIIT में प्रेजेंटेशन दिया था टीचर्स को कि कैसे आप अपने सब्जेक्ट में ICT का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार दीक्षा पोर्टल में कैसे आप ई कंटेंट अपलोड करेंगे, क्योंकि मुझे दीक्षा पोर्टल का कंटेंट रिव्यूअर और रिसोर्स पर्सन बनाया हुआ है, तो मेरे कई सारे ई कंटेंट दीक्षा में अपलोड है, तो टीचर्स को भी मैं यहाँ पे सिखाता हूँ कि कैसे आप GeoGebra का प्रयोग करके मैथ्स में शानदार ई कंटेंट डेवलप कर सकते हैं और उसे किस प्रकार दीक्षा में अपलोड आप उसको कर सकते हैं। वर्तमान समय में निष्ठा ट्रेनिंग सभी टीचर्स को मैं दे रहा हूँ ऐसे टेक्निकल रिसोर्स पर्सन के रूप में, ये 2022 तक ये चलेगा, और इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आती है टीचर्स को तो उसको मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, चाहे उनको वीडियो के माध्यम से करूँ या पर्सनली मुझे कभी भी। इसके साथ साथ ई कंटेंट के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया, तो कई वर्कशॉप मैंने ज्वाइन करे हैं CIT NCERT की, जहाँ पे ई कंटेंट कैसे डेवलप किया है वो सीखा, और फिर उसके बाद कई सारे ई कंटेंट बनाए, जैसे गुरुशाला में इस समय पूरे इंडिया से जितने टीचर्स अपने ई कंटेंट अपलोड करते हैं उसमें मेरा 3rd स्थान है पूरे इंडिया में, और इसमें मेरे कम से कम 150 से ज़्यादा ई कंटेंट अपलोड हुए हैं, पब्लिश हुए हैं। इसके बाद दीक्षा में भी मेरे कई सारे ई कंटेंट पब्लिश हुए हैं। इसके साथ H5P टूल्स का मैं 4-5 सालों से प्रयोग कर रहा हूं, और इसमें भी बहुत सारे ई कंटेंट मैंने बना रखे हैं जिसे बच्चे आसानी से एक्सेस करते हैं, और ये कंटेंट ब्लॉग और इकोनॉमिक्स की जो मैंने वेबसाइट डेवलप करी उसके माध्यम से बच्चे उसको एक्सेस करते हैं, और ये जो ब्लॉग मैंने डेवलप किया था इसको इस समय 3 लाख से ज़्यादा करीब बच्चे इसको एक्सेस कर चुके हैं, काफ़ी बच्चे इसको प्रतिदिन एक्सेस करते हैं, इसमें सारी जानकारी दी है, इसमें मैं इकोनॉमिक्स और कुछ आर्टिकल्स के बारे में लिखता रहता हूँ और कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करता हूँ, जैसे क्विज हो गए या कोई नई चीज़ आने वाली इकोनॉमिक्स से संबंधित, वो सब इसमें मैं शेयर करता हूँ। जी सर, ई कंटेंट डेवलप करने के लिए आपको कुछ ICT टूल्स की मदद की जरूरत पड़ी होगी, तो किस तरह के ICT टूल्स का आपने प्रयोग किया? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि समय के अनुसार हमें अपना नॉलेज अपडेट करना पड़ता है, तो पहले हम शुरू में PPT का इस्तेमाल करते थे और वो, लेकिन वो PPT हमारी शेयरेबल नहीं होती, उसमें बहुत सारी दिक्कत आती कि हम उसको ऑनलाइन शेयर नहीं कर पाते, तो आज हम क्या करते हैं कि ई कंटेंट डेवलप करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो एडिटर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं,
जैसे आपका ये क्या बोलते हैं, मैं तो अधिकतर ऑनलाइन क्विज डेवलप करता हूँ ज्यादातर, तो गूगल फॉर्म्स का या काहूत का इस्तेमाल करता हूँ या मल्टीमीटर का इस्तेमाल करता हूँ। और इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट का जो पीपीटी है 2016 उसका इस्तेमाल करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए। जी और वीडियो एडिटिंग के बहुत सारे टूल्स हैं, तो एक टूल से काम नहीं होता है, तो मूवी मेकर का इस्तेमाल करते हैं, मूवी मतलब जैसे उसको और अच्छा बनाना, तो बहुत सारे टूल्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन शॉट वीडियो एडिटर टूल है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जी एक्टिव प्रेजेंटर है, बहुत सारे। तो इसकी मदद से आप ई कंटेंट तैयार करते हैं और उसे बढ़ावा भी देते हैं। हाँ जी, जी तो इसके साथ साथ जैसे हम अपनी वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं या ब्लॉग डेवलप कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम शेयर कर सकते हैं। जी क्योंकि ई कंटेंट अगर आप व्हाट्सएप में शेयर करेंगे तो अलग अलग जाएगा, तो उसको एक जगह पे रखने में ज्यादा सुविधा होती है। इसी प्रकार यूट्यूब चैनल का भी निर्माण किया मैंने ई शिक्षा के नाम से, और उसमें कम से कम 200 से ज्यादा वीडियोज हैं जिसमें बच्चे इकोनॉमिक से संबंधित उसको वीडियोस को देखते हैं। और इसके साथ साथ उसमें मिस्टर टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी वीडियोस डाले हैं, जिनको टेक्निकल प्रॉब्लम आती किसी प्रकार की, वो सारी की सारी समस्याएं उसके माध्यम से हल हो जाती हैं। तो इसी प्रकार ये अर्थशास्त्र का वेबसाइट बनाई जिसमें आप एग्जाम भी दे सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं और नोट्स भी पढ़ सकते हैं, और इसमें ई बुक्स भी सारी हैं जिससे बच्चे आसानी से कहीं भी डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो बुक्स भी उनको ले कोई दिक्कत नहीं होती। खासकर प्रोजेक्ट कार्य भी जो जो हम करते हैं वो भी सब इसमें दिया हुआ है बच्चों को। इसी प्रकार हमने अपने विद्यालय का एक वेबसाइट भी बनाई है जिसको समय समय पर मैं अपडेट करता रहता हूँ, और इसमें सारी एक्टिविटी विद्यालय की, नए रूल रेगुलेशन क्या हैं, फोटो गैलरीज और आने वाले समय पर हम क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे, सारा अपडेट हम करते रहते हैं, तो बच्चे और हमारे टीचर्स दोनों इसको देखते रहते हैं, तो इसमें बड़ा मजा आता है। बच्चे अपने मोबाइल पे देखते रहते हैं, मुझे बोलते हैं सर हमारा आज वीडियो नहीं डाला, आज हमारा जो कल्चर हुआ था वो भी डाल दो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि बच्चे इससे अपडेट रहते हैं और उनको नॉलेज मिलते रहता है कि आने वाले समय में क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, और वर्चुअल हमारा जो टूर है हमारे विद्यालय के बारे में कोई जानना चाहता है तो उसकी पूरी जानकारी इसमें वर्चुअल टूर के माध्यम से भी विद्यालय का अध्ययन वो कर सकता है। ये यूट्यूब चैनल है और इसमें कम से कम काफी वीडियोस है जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं, और साथ साथ मिस्टर टीचर ट्रेनिंग दोनों के लिए हैं। इसके साथ साथ मैंने प्रयास करा एक छोटा सा मोबाइल ऐप भी डेवलप करने का, इसमें अपने स्कूल की जो ऐप है उसको मैंने यहाँ पे डेवलप किया है। इस ऐप के माध्यम से भी हम स्कूल की जानकारी ले सकते हैं, और क्विज का भी मैं अभी कुछ छोटे छोटे क्विज बनाए हैं और अर्थशास्त्र विषय में ये मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं। जी सर, ये जो मोबाइल ऐप में कंटेंट है वो सारा का सारा हिंदी में है या दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी भी और हिंदी भी? नहीं, मोस्टली हमारे जो अभी जो उत्तराखंड शासन का जो एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन है जी वो मोस्टली हिंदी में है, तो इंग्लिश में तो सारा ई कंटेंट आपको मिल जाता है, अवेलेबल नेट पे सारा कुछ मिल जाता है, लेकिन हिंदी में अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हमने हिंदी में बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है अधिकतर वो हिंदी मीडियम में होती है। ओके सर, तो आपने देखा होगा कि कोरोना जब आया था तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था हमारे लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि कोरोना पीरियड में हम किस प्रकार अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में जमीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ पे रिसोर्सेस कम होते हैं, स्कूलों में रिसोर्सेस कम होते हैं और खासकर बच्चों के पास तो रिसोर्स बहुत ही कम होते हैं। तो जब कोरोना आया था और हमारे स्कूल बंद हो गए थे लॉकडाउन के समय, तो 1-1.5 साल तक हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कि हम कैसे बच्चों को शिक्षित करेंगे। तो सबसे पहले हमने छोटा सा प्रयास करा था कि पता लगाया हमने कि कितने बच्चों के पास मोबाइल है, कितनों के पास नहीं, तो 15 से 20% बच्चों के पास स्मार्टफोन थे उस समय स्टार्टिंग में। तो उस समय जब शुरू शुरू में हम ऑनलाइन क्लास लेते थे तो 50 बच्चों में से 5 या 10 बच्चे ही ज्वाइन कर पाते थे क्लास को। तो फिर हमने क्या करा, हमने कहा जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो एक ही स्कूल के बच्चे ना लेकर, मेरे पास कई टीचर्स आते थे बोलते थे सर हमारे स्कूल के बच्चों को भी आप पढ़ा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं जो लिंक शेयर करूंगा आप उन तक शेयर कर दीजिए। तो इस प्रकार एक स्कूल हुआ, फिर दो हुआ, फिर मैंने कम से कम 5-6 स्कूलों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो उनकी संख्या कम से कम 50-60 हो गई थी। तो
क्योंकि हर स्कूल में केवल 20% से 30% के करीब मोबाइल्स हुआ करते थे। तो ये आरंभ था, शुरुआत थी कि हमने इस पे क्या बोलते हैं ये जूम ऐप का स्टार्टिंग किया, और उसके बाद फिर हमने गूगल मीट का इस्तेमाल किया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें बच्चे जो हमने प्रयास करा तो उसमें हमें धीरे धीरे सफलता मिलनी आरंभ हुई। शुरुआत में दिक्कत हुई क्योंकि बहुत बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्शन ख़त्म हो जाता था बीच में, या सिग्नल की प्रॉब्लम होती थी, और मेरे को भी बच्चों को पढ़ाने के लिए नेट ख़त्म हो जाता था तो वाईफाई कनेक्शन लगाना पड़ा। तो कई सारे चैलेंजेस आए हमारे बीच में, लेकिन हमने उसको पूरा किया। और इसका फायदा ये मिला कि बाद में बच्चे, कुछ बच्चे रेगुलर हो गए, तो हफ्ते में पहले 2 क्लास ली, फिर 4-4, 5-5 क्लास हमने ली, और बाद में हमने हेलो के माध्यम से, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ई कंटेंट अब देखो दिख रही है। हाँ, तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, जिसको NNIFC बोलते हैं, नेट नेशनल इनकम ऑफ फैक्टर कॉस्ट, बाजारी मूल्य पर विशुद्ध राष्ट्र। और इसके साथ साथ बाद में जब स्कूल खुले, जब बाद में स्कूल खुले तो कुछ ही बच्चे स्कूलों में आए, पूरे बच्चे स्कूलों में नहीं आए। तो उससे क्या हुआ कि हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास साथ लेनी पड़ती थी। जो हम स्कूल में पढ़ा रहे तो हम उसको ऑनलाइन भी उसको शेयर करते थे बच्चों को, जो हम पढ़ाते थे स्कूल में। तो इससे क्या फायदा हुआ, जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे उनको भी इसका फायदा मिला कि वो कोरोना के डर से जो घर में रहते थे तो वो वहाँ पे आसानी से उन्होंने क्या उनका मतलब पढ़ाई बीच में नहीं छूटी, और जो बच्चे स्कूल आ जाते थे वो भी पढ़ते थे। तो दोनों चीजें हमें स्कूल में करनी पड़ी। तो आप देख रहे हैं इसमें हमने अपना मोबाइल लगा रखा है, वाईफाई कनेक्शन से हमने इसको जोड़ा, तो स्कूल में भी पढ़ाई हुई और ऑनलाइन भी पढ़ाई हुई। वही सेम पीरियड ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हमने प्रयास करे कि दोनों बच्चों को इसका लाभ मिले, और घर से भी मैंने इसको बच्चों को पढ़ाया। जब सर आप ऑनलाइन पढ़ाते थे तो ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे एक जूम मीटिंग में आपको मिलते थे? मैंने बताया था आरंभ में जब बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे हमारे यहाँ, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चे आते हैं, तो शुरुआत में तो काफी कम संख्या थी, जैसे 50 में से 5 से लेकर 10 बच्चे आए। तो अब हम पढ़ाते तो थे पूरा 1 घंटा 2 घंटा इस प्रकार। अब हमने देखा कि बच्चों की संख्या कम है तो क्यों ना हम और स्कूलों के बच्चे भी शामिल करें जिनके पास स्मार्टफोन थे। तो उसके लिए मेरे पास कई टीचर्स की रिक्वेस्ट आई कि सर आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे और हमें इतना ज्ञान नहीं है, हमें इतना टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं, क्या कृपया करके आप भी अगर हमें भी शामिल कर लें इसमें, और हमारे स्कूल के बच्चे भी अगर आपके स्कूल के बच्चों के साथ पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि गूगल मीट में उस समय 100 बच्चे अलाउड, 100 बच्चे तो हम पढ़ा सकते थे आसानी से जी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो 50-60 बच्चे आसानी से हम 5-6 स्कूल के आराम से पढ़ा लेते। अच्छा, लेकिन आज स्थिति काफी बेहतर है। आज 80% से ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो आज कोई दिक्कत नहीं आती है ज्यादा जो आरंभ में आई। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना पहले से बेहतर और आसान हो गया, और बच्चों को भी काफी नॉलेज हो चुकी है बिल्कुल आज की तारीख में। बिल्कुल जी। और जो ट्रेनिंग हमने टीचर्स को दी थी वो ट्रेनिंग लॉकडाउन के समय काम आई। जो टीचर्स उसका पहले प्रयास नहीं करते थे, उन्होंने ट्रेनिंग तो करी लेकिन इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मजबूरी में लॉकडाउन ने सबको ट्रेन करना सिखा दिया। और मैं कहता हूँ 90% टीचर सीखे कि वीडियो कैसे बनाना है। लोग कॉपी पढ़ाते समय बनाते थे, कॉपी की में लिखते समय वीडियो बनाते थे और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करते थे। तो काफ़ी टीचर्स ने लॉकडाउन का फायदा उठाया और उन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी शिक्षण सामग्री तैयार करी और भेजी, प्रेषित करी। तो लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा फायदा ICT को हुआ। तो ICT अगर नहीं होता तो लॉकडाउन का के समय जो शिक्षण कार्य था वो सुचारू रूप से नहीं चल सकता। तो प्राइवेट स्कूलों ने तो बहुत ही अच्छा एक्सेस किया ICT को, लेकिन जिन सरकारी स्कूलों में टीचर्स को नॉलेज थी या जहाँ थोड़े संसाधन थे या बच्चों के पास संसाधन थे, उन्होंने भी बहुत ही बेहतर ढंग से लॉकडाउन के समय इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। बिल्कुल, और फायदा तो सर बच्चों को हुआ ज्यादातर, क्योंकि आप उन्हें पढ़ा पाए और उनकी पढ़ाई का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ये तो बात सही है।
बच्चों का पढ़ाने के साथ साथ मूल्यांकन भी करना बहुत जरूरी था कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में वो कुछ सीख भी पा रहे कि नहीं। तो इसके लिए हमने गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन क्विज और या हर महीने या हर टॉपिक के बाद हम उनका मूल्यांकन करते थे, उनका टेस्ट लेते थे कि इस टॉपिक के बाद इन्होंने क्या सीखा। तो ऑनलाइन क्विज हम तैयार करते थे, तो इसके लिए मैंने गूगल फॉर्म्स और सर्वे हार्ट ऐप का इस्तेमाल किया, जिसमें आपका मार्क्स के साथ साथ बच्चे अपने रिजल्ट भी देख सकते थे और कौन से पर्सन गलत है कौन से सही, उसको भी हल कर लेते। तो इसमें आरंभ में तो मैंने अपने स्कूल के बच्चे शामिल किए, और आज की तारीख में मैं आपको बताऊं कि 100 से ज़्यादा स्कूलों के बच्चे और कम से कम 2000 से ज़्यादा बच्चे आज की तारीख में मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन्हें मैं गूगल फॉर्म्स के माध्यम से उनका मूल्यांकन करता हूँ। और ये लिंक मैं अन्य अध्यापक जो हमारे साथी उनको भेजता हूँ, वो अपने स्कूलों में भेजते हैं और उसका रिजल्ट बाद में हम प्रकाशित करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने गूगल में ये क्विज लिए हैं प्रत्येक पार्ट के, इसमें आप देख रहे हैं कि 1130 बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है, एक में 488 बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है। ये मेरे स्कूल के नहीं है, ये पूरे प्रांत के, पूरे मतलब उत्तराखंड स्टेट के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ये केवल इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स थे। इनका रिजल्ट प्रकाशित करते थे हम, तो बच्चों को बड़ा मजा आता था किसके मार्क्स कितने हाईएस्ट हैं, तो बच्चों में एक इंटरेस्ट जागता है कि मैं आगे और मेहनत करूंगा और मेरा नाम आएगा। इसके साथ साथ गूगल क्लासरूम का भी इस्तेमाल हमने किया कि बच्चों को पूरी इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाए, एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। तो गूगल क्लासरूम भी बहुत अच्छी एक ऐप है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें बच्चों को क्लासरूम की तरह ऑनलाइन आप पढ़ा सकते हैं। जैसे कौन बनेगा अर्थशास्त्री, इस प्रकार बीच बीच में गेम भी हमने ऑनलाइन आयोजित किए। ये काहूत के माध्यम से हमने इस गेम को क्रिएट किया था, जिसमें काफी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। सर्वे हार्ट मोबाइल ऐप्स के माध्यम से भी आप देख रहे हैं कि काफी मतलब हर हफ्ते हम इसका क्विज करते थे बच्चों का। हाँ, पढ़ने में तो ठीक है उसके ये, बाद क्योंकि सबसे पहले जो मैंने इसको देखा है स्कूल में। बच्चे लॉकडाउन और में थे कि बच्चों की क्या स्थिति थी घर में, हाँ, कैसे लेकिन सुरक्षित ये है जो, कि हाँ नहीं, तो हमने लेकिन ये सबसे कई पहले दिनों प्रयास से करा मतलब ऑनलाइन कनेक्ट पेरेंट्स नहीं में। रहा ऑनलाइन, बाकी वैसे तो पढ़ाई ये में मैं आपको करता बता दूं कि सबसे पहले है। हमारे ठीक स्कूल में ऑनलाइन और क्योंकि बाकी कुछ कहना हो इसके रही बारे थी, में, जिसमें हमने पेरेंट्स से ये जानकारी तुम्हारे कौन मांगी मदर है कि सामने। लॉकडाउन में उनके बच्चे सेफ है कि नहीं, पढ़ाई हाँ, कर तो रहे हैं। आप ये तुषार इस बार सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाया और परीक्षा में एक साथ एक विषय में रह गया है। तो काफी हमने प्रयास किया कि ऑनलाइन पीटीएम में पेरेंट्स भाग ले, बच्चे भी ले, और उनकी परेशानी हम जाने कि उनको दिक्कत है कि नहीं। इसके साथ साथ कई सारे जो वेबिनार है एनसीईआरटी द्वारा आयोजित किए गए, उसमें भी पार्टिसिपेट किया और गुरुशाला में भी पार्टिसिपेट किया। और अपने जो शिक्षक साथी जो लॉकडाउन के समय पे जिनको ई कंटेंट बनाने में दिक्कत आ रही थी या कुछ नया वो सीखना चाहते थे, तो हमने उस वेबिनार में पार्टिसिपेट किया, कई सारे ई कंटेंट बनाने सिखाए, कुछ नए सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में बताया। इसी प्रकार हमारे अन्य आईसीटी जो अवार्डी थे साथी, उन्होंने भी लगातार वेबिनार किए लॉकडाउन में, और हमें भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई और हमने भी अपना नॉलेज को अपडेट किया। तो एजुकेशन जो हमारा मटेरियल था उसे हमने कैसे शेयर किया, व्हाट्सएप के माध्यम से जो जानकारी बच्चों को दी जाती थी, क्योंकि अधिकतर सबसे आसान तरीका व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप कई सारे ग्रुप बना दिए गए थे बच्चों के और स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब्जेक्ट वाइज, तो जानकारी शेयर करने में बहुत आसानी रही लॉकडाउन पीरियड में, ताकि बच्चे जा वीडियोस या जो हमारा ई मटेरियल है उसको आसानी से एक्सेस कर सके। तो आप देख रहे हैं मीडिया जो हमारा न्यूज़ था इसमें भी पब्लिश हुआ कि ई पाठशाला लाइव क्लासेस और ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया गया, और जिसमें काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बीच बीच में हम प्रतियोगिता भी करते थे, जन सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज आदि चीज। तो इन सबको देखते हुए जो हमारा कार्य था, जो इतने वर्षों से, जो 20-22 वर्ष हो गए मेरी आईसीटी का कार्य करते हुए, जो हमारी यात्रा थी उसको देखते हुए हमें सीआईटी एनसीईआरटी द्वारा, हमें एमएचआरडी द्वारा, हमें राष्ट्रीय पुरस्कार, मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार 2013 का 2014 में प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट
इनोवेटिव टीचर लीडरशिप अवार्ड 2006 में प्राप्त हुआ था आईसीटी में कार्य करते हुए, और एशियन पैसिफिक टीचर मीट में 2007 में कंबोडिया देश में प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला, 12 से 10 टीचर्स का चयन हुआ। इसी प्रकार पर्सनल टीचर अवार्ड हो गया, आपका ग्लोबल टीचर प्राइज 2018 में चयन हुआ था मेरा, जिसमें 173 में से 30,000 शिक्षकों के साथ चयन हुआ था। तो ये सारा मैं इसका सारा श्रेय आईसीटी को देता हूँ और अपनी सीआईटी टीम को देता हूँ, जिसके कारण हमारा जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो हुआ। और आईसीटी में बार बार हम जाते थे ट्रेनिंग के लिए, वहाँ जाके हम बहुत कुछ सीखा हमने, और उसका लाभ आज हमें मिल रहा है, और आज हमारे को हमारे साथ साथ हमारे अन्य अध्यापकों को मिल रहा है और साथ साथ हमारे स्कूल के बच्चों को मिल रहा है कि आज हम टेक्नोलॉजी का जो सही ढंग से उसको समझ पाएँ, उसको एक्सेस कर पाएँ। तो उसका मैं सारे से अपने सीआईटी को देना चाहता हूँ कि उनके बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो आपने देखा कि ये हमारी एक छोटी सी जर्नी थी। इसके साथ साथ उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा जो टेक्निकल अवार्ड्स थे वो हमारे मुझे प्राप्त हुए, हमारे स्कूल को प्राप्त हुए। तो आपने देखा कि ये एक छोटी सी जर्नी थी जो अभी तक कंटिन्यू है और चलती जा रही है। जी सही, बिल्कुल भी छोटी जर्नी नहीं थी, बहुत ही महत्वपूर्ण जर्नी थी। और आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आपने अपनी पूरी जर्नी में बहुत कुछ किया है बच्चों के लिए, और बहुत ही आपका जो मेहनत है वो नज़र आ रही है, क्योंकि आपको इतने सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। जी तो अगर सर कुछ पूछना चाहते हैं तो जी सर, मैं कुछ सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जो आपने इतनी सारी आईसीटी के बारे में बातचीत करी, मैं सरकार का अगर आपसे कंट्रीब्यूशन पूछना चाहूँ तो राज्य सरकार आईसीटी शिक्षण कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भी मदद करती थी? हाँ, अब पहले शुरुआत में तो मदद नहीं कर पाती थी सरकार, क्योंकि एक आईसीटी लैब बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता था। तो सरकार ने 2012 के बाद से उत्तराखंड में पहले 100 स्कूलों का चयन किया आईसीटी लैब बनाने के लिए, और आज 500 से ज़्यादा स्कूलों में आईसीटी लैब बन चुकी है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि नई शिक्षा नीति के तहत जो नई शिक्षा नीति में आईसीटी का काफ़ी महत्व दिया गया है, जोर दिया गया है, तो उसको देखते हुए जो राज्य सरकारें हैं, हमारी सरकार ने भी हमारे विद्यालय में एक व्यवसायिक लैब बनाई है जो कि आईटी एजुकेशन से संबंधित है, जिसके लिए अभी सरकार ने एक नई लैब बनवाई जिसमें कम से कम 11 कंप्यूटर हमारे विद्यालय को प्राप्त हुए हैं, और साथ में एक कंप्यूटर टीचर भी हमें मिला है जो कभी हमारे हमें प्राप्त नहीं था, हम ही पढ़ाते थे सारा। तो अब कंप्यूटर टीचर की भी नियुक्ति करी है ताकि बच्चों को आईटी की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो, और बच्चों को भी तकनीकी ज्ञान 9th क्लास से प्राप्त हो जाए, और ताकि भविष्य में वो आगे और तेजी से बढ़ सके। तो इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, और हमें इसके साथ साथ प्रोजेक्टर भी प्राप्त हुआ है, और इसके साथ साथ प्रिंटर प्रोजेक्टर सब प्राप्त हुआ। लेकिन इससे पूर्व हमने अपने प्रयासों से जो आपके सहायता समूह होते हैं, जो आपके वेलफेयर सोसाइटी होती है, उसके माध्यम से भी हमने अपने विद्यालय में कुछ तकनीकी ज्ञान मतलब रिसोर्स डेवलप करने का प्रयास करा, जिसमें हमारे को हंस फाउंडेशन ने 2 स्मार्ट क्लासरूम बना के दिए। जी सर, जैसा कि आपने हमें सबसे पहली स्लाइड में दिखाया था कि 2014 में आपने आईसीटी ट्रेनिंग शुरू की थी, तो अचानक से आपकी आईसीटी कार्यों में रुचि कैसे हुई, किस तरह से शुरुआत हुई थी? हाँ, शुरुआत तो मैम मेरी जब 2002 में हुई थी, जब हमें सबसे पहले इंटेल ट्रेनिंग के लिए चुना गया था एमटी के रूप में कि आपको हम ट्रेन करेंगे कंप्यूटर में, और उसके बाद अपने स्कूल में जाके आप अपने सारे स्टाफ को ट्रेन करोगे। तो तब पहले पहले तो बड़ी दिक्कत आई शुरू शुरू में, क्योंकि काफ़ी नया चीज़ था हमारे लिए कि पहले हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। तो कॉन्सेप्ट जब हमें समझ में आया तब हमें पता चला कि आईसीटी क्या होता है, केवल हमें कंप्यूटर चलाना या केवल नॉलेज गेन करना नहीं हमारा उद्देश्य। हमारा उद्देश्य कि अपने सब्जेक्ट को हम आईसीटी के माध्यम से कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, कैसे मतलब उसको आसान बनाएं। तो एज ए फिजिकल हैंडीकैप, जैसे मैं फिजिकल हैंडीकैप हूँ,
तो मुझे तो इसका बहुत ज्यादा लाभ हुआ, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में और व्हाइट बोर्ड में जब मैं लिखता था तो मुझे काफी समस्या आती थी, क्योंकि आपकी 45 मिनट्स की जो पीरियड होते हैं उसमें आप 45 मिनट्स तक खड़े रहोगे और फिर उसमें डायग्राम बनाओगे तो काफी दिक्कत आती थी। तो इसका मैंने सबसे बेहतर सोल्यूशन ये सोचा कि क्यों ना ई कंटेंट बनाया जाए। तो पीपीटी सबसे पहले तैयार करी गई, क्योंकि उस समय सबसे आसान तरीका वही था। तो पीपीटी में हमने पूरा ई कंटेंट बनाया, डायग्राम्स बनाए, तो उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से हमने विद्यालय में दिखाया, क्योंकि प्रोजेक्ट अवेलेबल थे हमारे स्कूल में। तो उससे क्या होता था कि जो चीज़ आज हमारी पढ़ा रहे बच्चों को समझ नहीं आई तो अगले दिन हम उसको दोबारा दिखा सकते हैं, तिबारा दिखा सकते हैं, 10 बार दिखा सकते हैं, बच्चे कितने बार उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्लैक बोर्ड में और उसमें उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप एक पीरियड में ही उसको समझा, अगले दिन आपको फिर दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा या दोबारा लिखना पड़ेगा, तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। और एनिमेशन, साउंड और मल्टीमीडिया का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा कंटेंट होता है बहुत रोचक बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग बनता है। आप ना केवल कंटेंट बल्कि उससे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी डाल सकते हो बीच बीच में पूछने के, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ती है कंटेंट डेवलप करने में। बिल्कुल। तो सर, जैसे आपने बताया कि आप एक दिव्यांग अध्यापक हैं, तो जैसे आईसीटी का जो शिक्षण कार्य है आपने शुरुआत किया, आपने बताया कि आपको उससे आसानी हुई क्योंकि आपको पहले खड़ा रहकर ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर काम करना पड़ता था और बच्चों को भी इससे आसानी हुई, तो आपको कैसे पता चलता था कि बच्चे इसमें रुचि ले रहे हैं और उन्हें मज़ा आ रहा है? क्योंकि अधिकतर मैंने जब जो कंप्यूटर लैब होती था उसका प्रभार मेरे पास रहता था, मेरे पीरियड में सारे बच्चे पहले ही कंप्यूटर लैब में आ जाते कहते थे सर प्रोजेक्ट में पढ़ाओ इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और क्योंकि अधिकतर जो 11th 12th क्लास में जो मैथड लेक्चरर मैथड होता है जिसमें टीचर डिक्टेट करता है और बच्चे उसको लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है ग्रामेटिकल गलतियां भी होती है, डायग्राम भी समझ में नहीं आते ढंग से, क्योंकि टीचर्स फटाफट ब्लैक बोर्ड में बनाएगा डायग्राम, उसको पीरियड भी पढ़ाना है, कोर्स भी पूरा करना है, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो ये चीज़ अगर आपने पहले से डेवलप कर रखी है तो सीधा बच्चे लैब में आते हैं और उसमें सीधा प्रोजेक्टर चला दें और डायरेक्ट उनको उसमें स्लाइड में वो सारी चीज़ें दिख जाती हैं। एक बार आप उसको जूम करके भी बड़ा कर सकते हैं, उनको बार बार दिखा सकते हैं, किसी का कोई मटेरियल छूट गया, आज की तारीख में तो मैं बताऊंगा कि उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारे यहाँ क्या होता है कि अनुपस्थिति जो बच्चे एबसेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से मैंने बताया काफ़ी कमज़ोर हैं, तो रेगुलर नहीं होते स्टूडेंट। जैसे प्राइवेट स्कूलों में बच्चे रेगुलर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रेगुलर बच्चे नहीं आते। तो हमने क्या कर रखा है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारे जो ई कंटेंट है उसको अपलोड कर देते हैं वीडियो के माध्यम से, तो बच्चे उसको जैसे आज वो अगर क्लास में नहीं आया या 2-3 दिन क्लास में नहीं आया तो उस वीडियो को देखकर कभी भी वो ऐसा उसको महसूस नहीं होगा कि हाँ मेरा ये चैप्टर छूट गया, क्योंकि हर चैप्टर का वीडियो बना हुआ है, साथ में उससे संबंधित एक्सरसाइज बनी हुई, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। अगर वो एक हफ्ता नहीं आता है स्कूल में तो वो हम उसको बोल देते हैं वो वाला वीडियो देख लेना, अगर कहीं पे दिक्कत आती तो हम उसको समझा देते हैं। तो इससे बहुत फायदा है टेक्नोलॉजी से कि बच्चा कभी भी कहीं पे भी जाकर उसको एक्सेस कर सकता है टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। लेकिन सर, आपने हमें बताया कि सिर्फ 15-20% बच्चों के पास ही स्मार्टफोन था, तो अगर आप ई कंटेंट डेवलप करके कहीं पे डाल भी देते हैं तो भी वो उन्हें एक्सेस कैसे कर सकते हैं? हाँ, इसका एक सोल्यूशन ये था कि लॉकडाउन में जिन बच्चों के पास फोन नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं थे, तो हमने दूसरा उपाय इसमें किया था कि हमने वो ई कंटेंट को फिर टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके फोटोकॉपी निकाल के उन बच्चों को पहुंचाए जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे, ताकि उनका भी नुकसान ना हो। आज की तारीख में तो 80-90% बच्चों के पास स्मार्टफोन है, आज की तारीख में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरुआत में बहुत दिक्कत थी, तो उनको भी ध्यान में हमने रखा, उनके लिए हमने मटेरियल प्रिंटेड करके उन तक सर्कुलेट कराए किसी के माध्यम से, तो वो बच्चों का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, बस ये था कि वो बच्चे ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर पाते थे, जो हम ऑनलाइन क्विज लेते थे या ऑनलाइन टेस्ट लेते थे, बस वो उनका छूट जाता था, तो हम उसको बाद में जाके कहीं ग्रुप में जाकर किसी के माध्यम से उनका मूल्यांकन कर लेते थे। जी, पर सर आज जैसे लॉकडाउन नहीं है पर फिर भी COVID-19 का खतरा है बच्चों को, तो स्कूल अभी पूरी तरह से खुले नहीं है, तो अभी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं?
नहीं, अब हमारे यहाँ हमारे जो स्टेट है गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ ऑफलाइन बंद ऑनलाइन बंद करके ऑफलाइन पे ही मोड पे चल रहा है हमारा स्कूल। तो हमारे यहाँ रेगुलर अभी बच्चे आ रहे हैं और अब ऑनलाइन की हमारे को आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आज की तारीख में भी मैं कहूँगा कि बेहतर विकल्प है उन बच्चों के लिए जो बच्चे इंटीरियर इलाकों में रहते हैं या दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जो बार बार नहीं आ सकते या जिनको आने में दिक्कत होती है, या ऐसे बच्चे जो रेगुलर स्कूल नहीं आ पाते, उनके लिए तो मैं कहता हूँ ऑनलाइन बहुत ही बेहतर विकल्प है। क्योंकि सारा मटेरियल हम एक जगह पे रखते हैं, अगर किसी बच्चे का कोई चैप्टर छूट जाता है तो वो उसको एक्सेस कर सकता है, उसको देख के पढ़ सकता है। तो ऑनलाइन आज कंपलसरी हो चुका है आज की तारीख में, चाहे COVID-19 आए ना आए, लेकिन हम अपनी जो स्टडी है, जो आप विदेशों में जाओगे तो वहाँ मोस्टली अधिकतर जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है मोस्टली ऑनलाइन है, वहाँ अधिकतर ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। तो हमारे देश भी आगे धीरे धीरे जब सबके पास पूरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी या स्कूल पूरे एक्सेस कर पाएंगे टेक्नोलॉजी, साथ में स्टूडेंट पूरे एक्सेस कर पाएंगे टेक्नोलॉजी, तो ये दोनों मोड में एजुकेशन प्राप्त करने का एक बेहतर विकल्प है कि बच्चे अगर ऑफलाइन मिस कर जाते हैं तो ऑनलाइन में जाकर अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल और साथ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे हम ऑफलाइन में प्रत्येक दिन टेस्ट नहीं ले सकते, या हम 100 बच्चे हमारी क्लास में पढ़ रहे हैं, हम हर एक का टेस्ट कैसे लेंगे, कैसे हम उनकी कॉपी चेक करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका सबसे आसान सोल्यूशन है कि आपने अगर एक बार ही कंटेंट बना दिया है, आपने गूगल फॉर्म्स या कई और एप्स का इस्तेमाल करके आपने क्विज एक्टिविटी बना ली या मूल्यांकन प्रपत्र बना लिया, तो आपके पास सेव है, आप जब चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हो, अब जब चाहे टेस्ट ले सकते हो, क्योंकि आपने एक बार बनाया, एक बार मेहनत जरूर होती है, उसके बाद तो बहुत आसान हो जाता है बार बार टेस्ट लेना और ये करना, जो कि ऑफलाइन में बहुत कठिन है कि आप हर एक की कॉपी कब तक चेक करोगे। बिल्कुल सर, आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं इस वक्त? इस समय मेरे पास जो मैं 11th 12th क्लास को पढ़ाता हूँ, जी और हमें कभी कभी छोटी क्लास भी पढ़ाने को मिल जाती है, तो बड़ी क्लास में इस समय मेरे पास 55 तो 12th में है और 70 के करीब 11th क्लास में। अरे बहुत बड़ा नंबर है ये तो। हाँ जी सर, अभी जो शिक्षा नीति आई है 2020 की, उसमें ICT तकनीकी आधारित शिक्षण को कितना महत्व दिया गया है? इसमें काफी महत्व तो दिया गया है कि उसमें बताया गया कि आने वाले समय में बच्चों को क्या मतलब ICT के तहत सिखाया जाए, तो बच्चों का जो मानसिक डेवलपमेंट है, हमें अपने जो इंडिया के बच्चे हैं भारत के बच्चे हैं वो भी विदेशों के साथ तुलना कर सके, तो इसके लिए जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और कोडिंग ये हमारे नए पाठ्यक्रम में अगले साल से आ जाएंगे, जो सबसे पहले NCERT के जो स्कूल हैं वो इसको अडॉप्ट करेंगे मतलब सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे राज्य सरकार या राज्य स्टेट गवर्नमेंट भी इसको अडॉप्ट करेगी। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि प्रोग्रामिंग सी सी प्लस प्लस या जावा, ये प्रोग्रामिंग प्राइवेट स्कूलों में सिखाई जाती है, लेकिन जो सरकारी स्कूलों में क्या होता था कि हमारे स्कूलों में कोई कंप्यूटर की कोर्स नहीं होती, हमारे स्कूलों में केवल बच्चों को एक प्रकार से कंप्यूटर का केवल एक लिटरली ज्ञान सिखाया जाता था, बाकी तो ई कंटेंट और अपने अपने विषय में कोई टीचर चाहे तो उसका इस्तेमाल करता था। लेकिन आने वाले समय में मैंने आपको बताया कि व्यावसायिक शिक्षा के रूप में ICT के रूप में हमारे विद्यालयों में अब कंप्यूटर टीचर्स भी आ चुका है, जो धीरे धीरे हमारे स्कूल के बच्चों को IT के बारे में सिखाएगा, स्क्रैच गेमिंग कोडिंग आदि जो भी होगी वो नई पॉलिसी के तहत सिखाया जाए। साथ जी में टीचर्स को भी ये बोला है कि आप भी अपने मतलब नॉलेज को ICT के नॉलेज को अपडेट करते रहें, ताकि आप अपने जो आपका पाठ्यक्रम है आप अपने सब्जेक्ट को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कौन सा इनोवेटिव तरीका आप अपना सकते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए, ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा और प्राप्त हो सके और बच्चे रुचिपूर्ण तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सके। बिल्कुल
सर, जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन जो क्लासेस थी उसमें बच्चों को बहुत लाभ हुआ, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को 4-5 घंटे पढ़नी पड़ती हैं, मोबाइल में देखना पड़ता है, मोबाइल इकलौता माध्यम है जिसके ज़रिए वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, तो उनसे उसके कारण बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अध्यापक होने के नाते आप क्या आप इस बात से सहमत हैं? थोड़ा बहुत तो मैं सहमत हूँगा कि जब 4-5 घंटे आप लगातार मोबाइल देखोगे तो दिक्कत तो आएगी, हर एक को आएगी, चाहे हम ही क्यों ना। तो बच्चों के लिए एक मजबूरी था उस समय कि भाई सारे पीरियड भी चलने चाहिए और सारे बच्चे उसको एक्सेस करें। तो हमने क्या करा कि अपने स्कूल में इस समस्या को दूर करने के लिए पहले बच्चों से फीडबैक लिया। तो बच्चों के सुझाव के आधार पर ही हमने टाइम टेबल बनाया कि कोई भी पीरियड 1 घंटे का ना रखें, उसको 45 मिनट्स का रखें और 15 मिनट का ब्रेक रखें, ताकि 15 मिनट में बच्चे अपना जो उनको लंच करना, पानी पीना या रिफ्रेश होना वो हो जाए। तो इस प्रकार हमने जैसे 4 पीरियड चलाए एक दिन में, अगले दिन फिर हमने 4 पीरियड चलाए, तो थोड़ा चेंज करके चलाया टाइम टेबल, ताकि बच्चे बोरियत ना आ जाए बच्चों में और थोड़ा दिक्कत ना हो कि लगातार देखे। घर वाले भी कहते थे हमारा डेटा खत्म हो जाता है, तो बड़ी समस्या थी। तो इसको ध्यान में रख के इस तरह क्लास को अरेंज किया कि बच्चों का डेटा भी खत्म ना हो और बच्चों को रेस्ट भी मिलता रहे और पढ़ाई भी होते रहे। तो हफ्ते में मतलब जो पूरे हफ्ते में ना क्लास चला के केवल 4 दिन चलाई हफ्ते, ताकि अरे वाह, एक दिन का गैप रखा बीच में, ताकि बच्चे भी रिफ्रेश रहे और अच्छा लगे बच्चों को भी, ये मतलब बोरियत ना। अरे वाह सर, तो ये क्या सिर्फ आप ही के स्कूल के अध्यापकों ने किया या फिर सबने मिलके ये तय किया था? नहीं, औरों का तो मैं ज्यादा बता नहीं सकता, लेकिन हमारे स्कूल में तो मेरी जिम्मेदारी थी। मेरे पास जब बच्चे आते थे तो मैंने अपने स्कूल के टीचर्स को भी पूछा, वो भी मोबाइल से ऑनलाइन ही पढ़ाते थे अधिकतर सब लोग ऑनलाइन, केवल मैं ही, मेरे पास लैपटॉप है, मैं तो लैपटॉप का इस्तेमाल करता हूँ, वो लोग मोबाइल से पढ़ाते थे। तो मैंने कहा मैडम आप भी पढ़ा रहे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो बहुत एक दिक्कत हो जाएगी बच्चों के साथ, पोल्यूशन हो जाएगा, क्यों ना इसका एक टाइम टेबल बना दे प्रॉपर कि भाई इतने से इतने बजे, जैसे 9 बजे से लेके 10 बजे तक इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी, फिर 10 बजे से 11 बजे तक हिस्ट्री की क्लास चलेगी, बीच में 15 मिनट का ब्रेक। तो इससे क्या होगा कि बच्चे भी रिफ्रेश रहते थे और उनको पढ़ने में मजा आता था और उन्हें पता रहता था कि आज कितने बजे किसका पीरियड है। जी, जैसे स्कूल में शेड्यूल बनता है वैसे ही आपने ऑनलाइन का हाँ, शेड्यूल वैसे बना वैसे दिया। ऑनलाइन का शेड्यूल। क्या बात है सर, जब आपने फीडबैक मांगा था बच्चों से तो उनके क्या-क्या जवाब आए थे, कुछ बताना हाँ, एक बार चाहेंगे? मैंने ऑनलाइन फीडबैक भी लिया था बच्चों का, जी जिसमें कम से कम मुझे 500 बच्चों का फीडबैक मिला था। अच्छा पूरा उत्तराखंड स्टेट का मैंने फीडबैक लिया था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि बच्चे बोलते थे कि सर आप जो क्विज लेते हो सब्जेक्ट वाइज तो बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही स्लो है। जो बच्चे पहाड़ों में रहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड 90% जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे इंटरनेट आसानी से चलता नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। तो कुछ बच्चे बोलते थे कि सर हमें पहाड़ में ऊपर जाना पड़ता है जहाँ पे सिग्नल आता है। तो ऐसे ऐसे मेरे को व्यूज मिले थे जो बड़े इंटरेस्टिंग थे, कि कुछ बच्चे बोलते थे सर, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बोलते थे सर कि आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगे, वीडियो में बहुत मजा आया, लेकिन कुछ बोलते थे हमारे वीडियो प्ले नहीं हो रहे उनके फोन, क्योंकि वीडियो प्ले होने के लिए थोड़ा ज्यादा स्पीड चाहिए होती है नेट की। तो बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन बच्चे बोलते थे कि काफी अच्छा है, पर कम से कम ना होने के बदले कुछ होना ज्यादा अच्छा है, मतलब कुछ तो मिला उन्हें सीखने को, टेक्नोलॉजी का नॉलेज मिला बच्चों को कि कैसे एक्सेस करना है। गूगल क्लासरूम का मैं कोड भेजता था तो बच्चे गूगल क्लासरूम में ज्वाइन होते थे तो उन्हें मजा आता था, कहते थे सर आज कुछ भेजा है कि नहीं भेजा, उसमें चैटिंग, वो अपनी पर्सनल चैटिंग भी करते थे, तो उन्हें कई बार डांटना भी पड़ता था और लिखना भी पड़ता था। लेकिन इससे क्या फायदा हुआ कि बच्चों को एक तो कुछ सीखने को जरूर मिला और साथ में उनको तकनीकी ज्ञान की भी जानकारी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमसे इतनी सारी बातचीत की अपनी इस जर्नी के बारे में, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
धन्यवाद सभी दर्शकों का ये कार्यक्रम देखने के लिए। तो ये थी एक नेशनल आईसीटी अवार्डी की जर्नी। अगर आप इनसे कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आप जानते हैं आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 8800044559 पर। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और खास कार्यक्रम लेकर हम थोड़ी देर में हाजिर होंगे। हमारा कार्यक्रम है सहयोग और जो टॉपिक होगा जिस पर हम बातचीत करेंगे वो होगा एनहांसिंग द स्किल ऑफ एम्पथी। तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बस थोड़ी देर और। बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार।